तो यार आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब यार जैसे कि आप सबको पता है यार सीज़न 8 आ चुका है और मैंने जो है सोलो के अंदर लीग पुश करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इस बार जो है सोलो में ट्राई करने वाले हम कॉन्करर जाने की, वो भी एशिया में, और ट्राई करेंगे एशिया में नंबर 1 बनने की यार, जो कि बहुत मुश्किल है एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे आप लोग के लिए। खैर इस मैच में हमने देखा कि भाई साहब आरपी सेक्शन में हमको मिले फारूक, और क्योंकि मेरा नाम भी टॉप पे था तो शायद फारूक को भी पता चल गया होगा। आई थिंक वो भी जो है लीग पुश कर रहा है कॉन्करर जाने के लिए, तो यार मज़ा आएगा इस गेम को देखने में। अल्टीमेटली यार हम दोनों को ये मैच जीतना है। अब देखते हैं यार कौन जीतता है, मैं जीतता हूँ या फारूक जीतता है। खैर देखते हैं कि हम मिलते कहाँ पे। मैं तो रोज़ की तरह कोचिंग की उतरा हूँ, ठीक है, थोड़ा मैं अटक रहा हूँ, सॉरी। और साथ में यार कुछ टिप्स दूंगा आपको मैं इस वीडियो, ये वीडियो जो है फुली टिप्स वाली होने वाली है, जो भी रैंक पुश करने वाले हैं। फिलहाल पोचिंग की उतरे हैं और 4 से 5 लोग सराउंडिंग आप सुन सकते हो यहाँ पे। खैर ये वाले घर में मेरे को गन नहीं मिली, अब देखते हैं अगर ये वाले घर में भी ना मिली तो मर जाऊँगा मैं। चलो UMP मिल गई है मेरे को, तो शायद एक बंदा मेरे पर रश कर रहा है। तो जब भी आप रैंक पुश करो यार, बेमतलब की फाइटिंग आपको छोड़नी पड़ेगी। ओके गॉडफादर सिंह, तो भाई साहब इसको बोलते हैं बेमतलब की फाइटिंग। आई थिंक ये रैंक पुश नहीं कर रहे, तो जब मैं अटैकिंग खेलता था मैं भी जो है बिना सोचे समझे घुस जाता था। खैर यहाँ पे एक बंदे को मेरी लोकेशन का पता चल गया और वो एग्जैक्ट नेट फेंक रहा है, एग्जैक्ट मोल्टो फेंक रहा है। अगेन देखना आप, देखो तो मैं उसके वेट कर रहा हूँ कब उसकी मॉली ख़त्म हो, कब उसके नीड ख़त्म हो, और फिर वो रश करेगा। आई थिंक उन्होंने रश कर दिया है। तो भाई साहब ये भाई साहब भी गए। अब देखो मैं बेमतलब की फाइटिंग इसी को बोलता हूँ जब आपको ज़रूरत ना हो लेकिन फिर भी आप किसी के साथ फाइटिंग करो उसको बेमतलब की फाइटिंग बोलते हैं। खैर एक बंदा देखा मेरे को, आई थिंक वो TPP ले रहा है वहाँ पे। ओके ये गया। आई थिंक उस घर में एक और बंदा है जो कि जिससे वो TPP ले रहा था। नेट फेंक के देखते हैं। हाँ छत पे है वो। और भाई साहब ये भाई भी गए। खैर निकल लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पे मैं हमेशा जो है एक दो फ्यूल कैन अपने साथ रख के चलता हूँ क्योंकि सोलो में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। और जितना हो सके यार टाइम स्पेंड करो, मतलब जैसे कि मैंने किया इस मैच में काफ़ी टाइम भी स्पेंड किया, साथ ही साथ जहाँ पे ज़रूरी फ़ाइट थी वहाँ पे मैंने फ़ाइट भी ली। और खैर यहाँ पे आ चुके हैं हम। एक्चुअली मैं ड्रॉप लूटने जा रहा था लेकिन ड्रॉप मेरे को कहीं पर दिखाई नहीं, मतलब सामने दिख रहा है वैसे लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर है। और इस वाले कंपाउंड में फाइटिंग भी चल रही है तो यहाँ से दूर हो लेते हैं फिलहाल, क्योंकि स्टार्टिंग में और टॉप 10 तक जब आप ना जाओ तब तक हो सको तो फाइटिंग से दूर रहो। कोई आपके साथ फाइटिंग ले तो भाई चलता है, तो भाई उसको मार दो। खैर मेरे को यहाँ पे सामने एक बंदा दिखा जो कि नीचे गाड़ी चेंज कर रहा था लेकिन मैंने उसको मारा नहीं बिकॉज मैं नहीं चाह रहा था बेमतलब की फाइटिंग। मैं ये वाले घर में आया और यहाँ पर भी बंदा था। अब क्योंकि मेरे को पता था उसकी लोकेशन वो कहाँ पर हो सकता है, और एग्जैक्टली वहीं पर था जिसको कि मैंने आराम से मार दिया। तो आप एक जगह पे बिल्कुल नहीं रह सकते, अपने फुटस्टेप करते रहो। खैर एक और बंदा देखा मेरे को। गया है अभी गाड़ी आ गई है तो एक और बंदा आ गया, मतलब जोन में जो भी घर रहेंगे उस पर बहुत रश होने वाला है, इतना तो पता है सबको। खैर मैंने सोचा कि इस बंदे पे जो है नेट पे के ट्राई करते हैं लेकिन मैंने नीट फेंका नहीं बिकॉज वो घर के पीछे था, इतना तो मेरे को पता चल गया था। क्योंकि जो फ्लोर के फुटस्टेप होते हैं वो अलग होते हैं और जो ज़मीन के फुटस्टेप होते हैं वो अलग होते हैं। अब यहाँ पर भाई लक देखो उस बंदे का, मैं एकदम सेफ जगह पे बैठा था लेकिन नीड वहीं पे आके गिरा, और बहुत ख़राब चीज़ होती है। इसलिए जब भी कोई आप पे रश करे तो बहुत सेफ लोकेशन चुन लो जो कि जहाँ तक नीड ना आ सके। खैर उसने दोबारा भी फेंका, दोबारा भी मैं बच गया क्योंकि वहाँ पर मेरे को पता था वो दोबारा वहाँ पर नीड फेंकेगा। अब उसके जब नेट ख़त्म हो जाएंगे तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया, आप पे रश करेगा। और यहाँ पे मैंने वही किया, मैंने वेट किया और आखिरकार उसको आना ही पड़ा। और भाई साहब TPP लेते हुए मैंने इसको आराम से मार दिया। खैर इसकी ग्रूजा ले ली मैंने जो कि मेरी पावर भी है
ऑटोगन मेरी पावर है जैसे कि आपको पता होगा। अब देखना ही होगा यार इस मैच में हमको फारूफ कब मिलता है, क्योंकि फारूफ भी इसी मैच में है तो मज़ा आएगा। और जब भी आप सर्कल के लिए जा रहे हो, यानी कि टॉप 15 में अगर आप हो, आपके पास गाड़ी है, तो भैया आपके पास जो भी फ्यूल है उसको फुल कर दो, ठीक है। ये आपकी मदद करेगा आपको एंड तक सर्वाइव करने में, गाड़ी बहुत मदद करती है सोलो में, बता रहा हूँ। अब ये वाले कंपाउंड में मैं आया तो भैया पता लगा यहीं पे है फारूफ, क्योंकि उसने अभी अभी AKM से एक बंदे को मारा है, और वो AKM जो है इसी कंपाउंड से चली है। बहुत धीमी आवाज़ थी, शायद आपको ना सुनाई दी हो। तो भाई वो जो आपको बंदा दिखा वही था फारूफ तो मज़ा आएगा भाई सब फाइट लेने में। खैर यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा व्यू दिया ताकि वो मेरे को देख ले और मारे ना। एक्चुअली मैं मिलना चाहता था लेकिन ऐसा हो ना पाया, क्योंकि जोन यहाँ पे नहीं था और मुझे निकलना पड़ा यहाँ से। एक्चुअली मैं उसके साथ फ़ाइट लेना चाहता था लेकिन यहाँ पे जोन नहीं था, तो पहले जोन फिर जो है फाइट। और यहाँ पे जो है मुझे दिखा एक बंदा जो कि ओपन में आ रहा था, तो मैं उसको मार सकता था बड़े आराम से, और जिसको कि मैंने मारा भी। तो इसी वजह से मैंने बोला था अपनी जो कार की टंकी है उसको फुल कर लो जितने भी आपके पास फ्यूल है, क्योंकि एंड सर्कल में बहुत कार ही चलाता हूँ मैं। खैर अब जो है सर्कल कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है, तो इस वजह से जो मैंने एक पत्थर के पास थोड़ा सा कवर बना लिया है, क्योंकि लेफ्ट और राइट का कवर बन गया है मेरे साथ मेरे पास में। और यहाँ पर शायद एक बंदा दिखा मेरे को, खैर ये तो गया। और अब यहाँ पे आता है फारूफ, मतलब यहाँ पे होती है उसकी एंट्री। अब यहाँ पे जैसे ये बाइक आई यार, और मैंने जब उसको भागते देखा तो मुझे लग गया कि हाँ भाई वही फारूफ है। तो मैंने उसको पूरा ट्राई किया मारने का, बिकॉज़ यहाँ पे मैं मारने के अलावा मेरे पास कुछ चांसेस भी नहीं थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई साहब मॉली फेंकने की ट्राई करी, खैर मैंने उसको काफ़ी डैमेज कर दिया था, अब रश करने के अलावा कोई चांसेस नहीं था मेरे पास। और भाई साहब सॉरी ओ भाई, तो 1 HP पे बचा मैं भी। खैर अब बचे हैं सिर्फ 3 लोग, और गाड़ी को मेरे को पीछे ही छोड़ना पड़ा बिकॉज इतना टाइम नहीं था, जोन बहुत गंदा वाला काट रहा था। अब एक बात नोट करना, जैसे जैसे जोन छोटा आ रहा है मेरे पास स्मोक उतने ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो अब काम वक्त आ चुका है स्मोक का यूज़ करने का। सामने ग्रेनेड पड़ा, मुझे लग गया कि भाई बंदे जो है उसी साइड कहीं पे है, तो इसलिए एक वॉल बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने उनकी तरफ स्मोक फेंक दिया ताकि उनका व्यू जो है मैं कट कर सकूं। और 3 जगहों पर मैंने एक्चुअली में स्मोक फेंका ताकि मेरे को एक सी टाइप का कवर मिले, क्योंकि मुझे जोन में जाना था। और जोन में स्मोक उसी जगह करो जहाँ से आपको कवर मिल सके। खैर बंदे ने अपनी लोकेशन जो है शेयर कर दिए, और यहाँ पे जब आप ये गेम प्ले देख रहे हो, मैं एशिया के अंदर टॉप 1500 लोगों में से हूँ, मतलब टॉप जो 1500 जो लोग हैं एशिया के अंदर टॉप में, उस समय का ये गेम प्ले। तो फिलहाल जोन काफ़ी छोटा हो चुका है, अभी भी 3 लोग बचे हुए हैं, काफ़ी पेशेंस है भाई सब में। अब क्योंकि सामने वाला पेड़ जो है जोन में है, तो इसलिए मैंने उसको पूरी तरीके से ढक दिया, क्योंकि मुझे उस जोन में जाना है। मैं अभी बहुत दूर हूँ, मतलब बहुत तो नहीं लेकिन काफ़ी दूर हूँ, इसलिए मैंने फिर से वहाँ पे जितने भी लोग थे उनका सबको स्मोक से ढक दिया, एक वॉल बनाई जैसे कि आप देख सकते हो वॉल। और ये मेरे को मदद करी पेड़ के पास आने में, जहाँ पे कि मैं लेट गया। अब भाई साहब क्योंकि साउंड से आप सुन सकते हो बंदा मेरे बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, इसलिए मैंने जो है पेड़ का कवर ले लिया है। और वो बंदा पूरी ट्राई कर रहा है मेरे को मारने की रैंडम शॉट्स में। और भाई साहब काली नाक को मैंने कुचल दिया है यहाँ पे फिलहाल, अब बचा सिर्फ एक बंदा, और उस बंदे को ओबियसली मेरी लोकेशन पता चल गई होगी, इसलिए मैंने एक दो स्मोक और कर दिए। लेकिन मैं पेड़ के पास नहीं पीछे जाके खड़ा हो गया, क्योंकि नेड कभी भी मेरे पे आ सकता था। खैर यहाँ पर मैंने कपड़े उतार दिए, लेकिन कपड़े उतारते मेरे को दिख गया सामने लेटा हुआ बंदा।
और भाई साहब चिकन डिनर, वो भी एशिया के टॉप लीग में। तो यार होप आपने एंजॉय किया होगा, आगे लीग पुश करने वाला हूँ मैं और उसी लीग पुशिंग की गेम प्ले आपके लिए मैं लेके आऊँगा। अभी फ़िलहाल लीग काफ़ी कम है मेरी, लेकिन रैंकिंग काफ़ी हाई है एशिया के अंदर, खासकर टॉप 1500 लोगों में हूँ मैं करंट टाइम में। तो अभी देखते हैं आगे कितनी आगे तक जाते हैं, नंबर वन तो बनना है। लास्ट टाइम जो है मैं टॉप 10 में था शायद, लास्ट फोर्थ या फिफ्थ सीजन में, उसके बाद मैंने पुश करना छोड़ दिया था, लेकिन इस बार ट्राई करूँगा नंबर वन बनने का। खैर कमेंट में बताना कैसे लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।